प्रेशर जब आप इसको करेंगे आप लाभान्वित होंगे। अब मैं काउंट कर रहा हूं, आंखें बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपनी गर्दन के ऊपर, पूरा ध्यान अपनी गर्दन के ऊपर बेंड करके जहां पर आपको दर्द हो रहा हो, जहां पर दर्द की अनुभूति हो, अपने अंतर मन, अपनी आत्मा, अपने मन को वहां ले जाइए। क्लोज योर आइज, लास्ट एंड काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज कीजिए, अदर साइड, फीलिंग रिलीफ, रिलीफ लग रहा था, टाइट था, अपोजिट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1, 2, आंखें बंद कर लीजिए, 3, जहां पे आपको पेन हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, last 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then last 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, come back. Really? Yes. अभी आपने क्या करना है, मैं आपसे बोलूंगा, ब्रीथ इन करके अपने पूरे कंधे ऊपर लेके जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच को आप मेंटेन करेंगे काउंटिंग 15। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, मैक्सिमम पुल कीजिएगा, मैक्सिमम पुल कीजिएगा, मैक्सिमम पुल कीजिएगा। मैं जब आपसे कहूँगा आंखें बंद करके देख लीजिए, मैं भी देख लीजिए, आंखें बंद करके हमने क्या ब्रीथ इन किया। जो लोग 10 काउंट तो होल्ड कर सकते हैं, 10 करेगा, जो 15 का कर सकते हैं 15 का करेगा, और जो जो 10 का कर सकते हैं 10 का करेगा। अभी हमें क्या करना है, ब्रीथ इन करना है। देखिए मुझे, हमने सांस भरा और उसको होल्ड किया, कितना ज्यादा टाइट करते जाएंगे, कितना टाइट में 10, 9, 8, 7 उल्टा काउंट करूंगा, आप मेंटेन करेंगे। चलिए टेक योर पोजीशन एवरीवन, ब्रीथ इन और सांस भरते हुए दोनों कंधों को ऊपर लेके जाइए, अटैक कीजिए, अप और अप और अप, 1 और खींचिए, 2 और खींचिए, 3 और 4 और खींचिए, 5, 6, 7 और खींचिए, 8, 9 and 10। रिलीव, 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 कुछ फील कर रहे हैं, रिलीव। मैक्सिमम पे जाना है, जो भी बातें मैं करूंगा मैक्सिमम पे जाना है, कहीं पर भी संकोच मत करिएगा। नंबर 3 एक्सरसाइज, आपने क्या करना है, आपने जिम को टचिंग करना है, अपनी गर्दन को आगे की ओर पुल करना है और 15 काउंट का होल्ड करना है। टचिंग क्या है, ये देखिए, टचिंग किया और आगे की ओर खींचा और आपने आगे की ओर खींचा और मैं 15 काउंट करूंगा, आंखें बंद रखेंगे, मन की आंखों से जहां आपको दर्द या पेन हो रहा हो वहां चले जाइए। पहले टचिंग कीजिए, ऐसे ऐसे टचिंग कीजिए, यस, आगे झुकाइए, आंखें बंद कर लीजिए, यस, 1, 2, 3, पेन हो रहा होगा निश्चित, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ कम बैक। कहीं कोई पेन हो रहा है, निश्चित तौर पर अगर आपने करेक्ट किया होगा तो निश्चित तौर पर होगा। एडवांस में जाएंगे, अब लेफ्ट हैंड में आपने गर्दन की फिर पुल किया लेफ्ट, ऐसे जाइए टैकिंग, राइट के अंदर पुल कर खींचेंगे, सभी लोग पहले टैकिंग करिए और राइट को खींचिए। चलिए पहले टैकिंग कर लीजिए, राइट को खींचिए, आंखें बंद करिए और पुल, 1, 2 खींचिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज कीजिए, ओ नेक्स्ट टाइम, अदर साइड टकिंग कीजिए और लेफ्ट की ओर जैसे बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, आंखें बंद रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ कम बैक, रिलीफ, स्माइल ऑन योर फेस प्लीज, कुछ रिलीफ हुई, कोई ऐसी टेंशन, 2%, 1% चेहरे पे इतनी उदासी, गम, एज इट इज, कुछ रिलीफ हुए, कुछ रिलीफ हुई, यस, बिकॉज
जनरली लोग की आंखों से टीयर्स आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी आंखों से आंसू क्यों आए, पूछना चाहिए आपको आंसू क्यों आ रहे हैं। शी इज क्राइंग। मैं बताता हूँ आपको, आंसू इसलिए आ रहे हैं कि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है हमारे शोल्डर्स पे, हमारे स्ट्रेस जोन नंबर 4 पे, कि वो भाव प्रकट ही नहीं हो पाते। इस क्लास में आप रोएंगे भी, यकीन मानिएगा, इस क्लास में जो कुछ होने जा रहा है उसका वीडियोग्राफी मत करिएगा, बिकॉज वो सीक्रेट है, उसको जब मैं कराऊंगा तो मना कर दूंगा, बिकॉज लोग रोते हैं उसमें अच्छा नहीं लगता। कोई मैं करा दे रोने वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक करा दे, मैं डॉक्टर साहब का कह रही हूँ, हाँ तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। आप में से कितने लोग, कितने दिन हो गए रोए हुए? सर कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हंसने वाला पूछना चाहिए आप रोने वाला पूछ रहे, फिर भी बताइए कितने लोग रोज रो रही हैं? हाँ हाँ, इतनी अच्छी बात है, आप तो हमारी जैसे होगी, शादीशुदा तो नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर बढ़िया तो पापा है, हम तो रोज ही रो रहे हैं, सुनील जी भी रो रहे हैं। तो अभी हॉस्टल भी चलेगा, बिकॉज ये ऐसी क्लास नहीं है कि जिसमें एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इसमें सारे बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान हैं, MBBS है, पता नहीं MD है, सिंधु साहब से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, तो इसलिए ये इंटरेक्टिव क्लास होगी, लेकिन यकीन मानिएगा जब करके जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। हम लोग का हृदय कहाँ पर, हार्ट को जानते हैं।